हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? एग्जाम देखिए, आप लोग का 7 मई को है। आप लोग बढ़िया से स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए पढ़ाई करते रहिए। बच्चों, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को आप जितना पढ़ें, आप लोग क्विक रिवीजन करिए। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, और जितना आपने पढ़ा है उनको अच्छा से रिवाइज करिए। बायोलॉजी में जैसा कि आपको पता है, 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें आपको 90 क्वेश्चन करना है और 10 क्वेश्चन छोड़ना है। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन का तरीका होगा, स्टेटमेंट जानेंगे आप, करेक्ट और इनकरेक्ट, मैच द कॉलम ये पढ़ना है, फिगर भी एक आध दो फिगर आई जा सकता है, और एसर्शन रीजन से भी देखिए अब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले एम्स जो है अलग होता था, अब एम्स को भी नीट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो बेटा, एम्स का जो क्वेश्चन का तरीका था, एसर्शन रीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एसर्शन रीजन का भी 2 क्वेश्चन जूलॉजी में, 2 क्वेश्चन बॉटनी में, उसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बन सकता है। तो एसर्शन रीजन भी आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा, फिगर को अच्छा से पढ़ लीजिए जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। बाद का जो समरी वाला होता है पॉइंट, उनको भी जरूर आप लोग फोकस करिए। अब जैसे आप बायो पढ़ते हैं, बायो में फर्स्ट यूनिट में बेटा 22 चैप्टर है, फर्स्ट किताब एनसीईआरटी 11th में, एनसीईआरटी 12th में 16 चैप्टर है, कुल 38 चैप्टर है, और उस 38 चैप्टर से कुल 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आएंगे तो 100 क्वेश्चन 90 करने हैं, बट इन चैप्टरों में ज्यादा फोकस आप लोग एनिमल फिजियोलॉजी को करिए, जिसमें 14-15 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी को फोकस करिए, उससे भी करीब 16-17 क्वेश्चन, जेनेटिक्स जो यूनिट है उसमें देखिए 3 चैप्टर है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, इनसे मिला के करीब 10 या 11 क्वेश्चन बन सकता है। इकोलॉजी भी कहीं कम नहीं है, इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी से भी 4 चैप्टर देखे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें जो लास्ट वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, साइन जो दिया जाता है, प्लस प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या है, और इसके बाद जो आप लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, उसमें भी पढ़िए। बायोडायवर्सिटी में आप पढ़ते हैं जो बायोडायवर्सिटी लास्ट के 4 रीजन है, उस पर भी एक क्वेश्चन आना है, एक सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन ये जरूर पढ़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका मतलब कि इकोलॉजी से भी ये काफी आपको पढ़ना है अच्छे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में 4 चैप्टर है, उसमें भी 10-12 क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चनों को अच्छा से रिवाइज करें। बच्चों, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, मेहनत जितना करेंगे, इस समय जितना आपने पढ़ा है, जितना क्वेश्चन करिए, पर डे 100-100 क्वेश्चन एमसीक्यू करिए, और उसको देखते जाइए जितना पढ़ा है उसको क्विक रिविजन करिए, ज्यादा हो सके वो बार बार उसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, जितना पढ़ते रहेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे होता है ना, जैसे आपने जो एक पौधा बड़ा होता है, तो पौधा अचानक नहीं बड़ा होता, पहले सीड को लगाते हैं, हवा पानी ऑक्सीजन उसको जब मिलता है, धीरे 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 वो सीड बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पेड़ के बाद फल मिलने लगता है, फल अगर सीड अच्छा होता है तो फल अच्छा बनता है। तो कहने का मतलब कि आप अच्छा मेहनत करें हैं, अच्छी तैयारी किए हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसे कहते हैं वर्क इज वर्क से, कर्म ही पूजा है, अच्छा कर्म करेंगे उसका परिणाम अच्छा होगा। और ध्यान दीजिए अपने वर्क पे, ईमानदारी से, लगन से बच्चों मेहनत करिए, और जो भी कोई बायोलॉजी से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होगी, आप दयाल टावर दुर्गाकुंड हमारे यहाँ आ सकते हैं, बायो से संबंधित सभी जानकारियों को आपको बताया जाएगा। और मैं खास तौर से यही कहूँगा, एनसीईआरटी पढ़िए, काकादेव कानपुर में मैं 11 साल लग पढ़ाया, बनारस में भी बहुतों दिन से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की, तो आप मेरे यहाँ जरूर संपर्क करिए, मेरे बच्चे 360 में 360 भी पाने वाले हैं। इस तरह से आप लोग बच्चों पढ़िए, थैंक यू।